हेलो, वेलकम टू आकांक्षा क्रिएटिविटी। मैं हूं आकांक्षा, आपके लिए फिर से एक नया कुछ खास लेकर आई हूं। वैसे तो आप मेरा टाइटल देखकर, मेरा थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूं। ये बॉटल आप देख ही रहे हैं, इस बॉटल का मेकओवर आज मैं करने वाली हूँ। ये हैंड वॉशर है। एक्चुअली क्या है ना, ये मुझे रखी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी वॉश बेसन पर, तो बहुत ही अजीब सी लग रही थी, एक बहुत ही गंदा सा लुक आ रहा था इसका। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसका मेकओवर कर दूँ। तो मैं इसका मेकओवर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसे कर लिया है पूरा वाइट। वाइट कलर मैंने इसलिए किया है ताकि इसके ऊपर जो भी कलर को मैं अप्लाई करूँगी तो वो एकदम से निखर कर आएगा, उभर कर आएगा वो कलर, ठीक है। तो पानी तो कलर के अंदर मैंने किसी भी तरह का कोई पानी मिक्स नहीं किया है, सीधा डार्क जो रखा है कलर को, डार्क कलर मैंने इस पर किया है, ठीक है। आप इसी तरीके से वाइट कुछ भी कलर अगर अप्लाई करेंगे ना आप, तो सबसे पहले वाइट ज़रूर करना। वाइट मैंने इसको कर लिया और इसको करने के बाद 10 से 15 मिनट लगेंगे सूखने के लिए, वो मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है। अब देखिए 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको देख रही हूँ तो ये बिल्कुल सूख गया है, ओके। अब मैं इसके ऊपर करने वाली हूँ येलो कलर। वैसे तो पिक्चर में आपने देख ही लिया होगा कि मैं इसे एक स्माइली वाला लुक दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने चूज़ किया है येलो कलर। येलो कलर भी मैं सेम उसी तरीके से करूँगी जिस तरीके से मैंने वाइट कलर किया है, बिना पानी मिक्स किए हुए। पानी नहीं मैं मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा मैंने कलर किया है। मेरे पास यही कलर थे, आपके पास अगर अच्छे वाले कलर हो, आई होप कि इसके अच्छे आपके पास होंगे, तो आप उस कलर को यूज़ करना, तो आपका जो भी आप अपनी बॉटल को लुक देने वाले हैं वो बहुत अच्छा सा निखर कर आएगा। पूरे को मैं येलो कर लूँगी जैसे मैंने वाइट किया था। ये देखिए धीरे धीरे मैं इसको कलर कर रही हूँ। कलर करने के बाद अगर मैं इसको जो स्माइली वाला लुक दे रही हूँ, तो जब मेरी ये बॉटल, आई मीन जो हैंड वॉश करने वाली बॉटल है, तो वॉश बेसन के ऊपर रखी हुई ना बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुंदर सी लगेगी। क्योंकि जब भी हम हैंड वॉश करने जाएंगे ना, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि वो जो एक कोना है वो एक गंदा सा है, मतलब क्योंकि अगर मैं नल की बात करूँ, वॉश बेसन की बात करूँ, तो मैं उसको वॉश करती रहती हूँ डेली या हर दूसरे दिन हम वॉश करते रहते हैं, वो एक साफ़ सुथरा लगता है। बट एक यही बॉटल थी जो मुझे वहाँ पर रखी हुई ना बहुत गंदी सी लग रही थी, तो अब ये बहुत सज गई है, पूरी तैयार हो गई है, देख रहे हैं आप, रेडी कर ली है मैंने। तो अब मेरा जो वॉश बेसन का जो कोना है ना वो पूरा चमक जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे कुछ भी वहाँ पर मतलब अजीब सा नहीं लगेगा, गंदा सा नहीं लगेगा। तो मेरे माइंड में तो सिर्फ यही एक आया था आइडिया कि मैं इसको एक स्माइली वाला लुक दे दूं। आपके माइंड में अगर इससे अच्छा लुक हो तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर सेम चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप तो आप यूज़ करते ही होंगे, तो स्माइली में भी बहुत सारे फेस आते हैं, हंसने का, रोने का, बहुत अच्छे अच्छे फेस आते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हैं और ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए।